अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चित्राल की शाही मस्जिद के अंदर। ये शाही मस्जिद है, इस शाही मस्जिद के साथ शाही किला है। इसकी तामीर जो है वो सर शुजाउल मुल्क जो यहाँ के वाली थे चित्राल की रियासत के, रियासत चित्राल के वाली को मेहतर कहा जाता है, सर शुजाउलक मेहतर ने इसकी जो है वो तामीर करवाई थी। और ये इंतहाई खूबसूरत और कदीम मस्जिद है। ये चित्राल की तारीखी विरसे का एक बहुत अहम हिस्सा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इसको बहुत खूबसूरती से और निफासत के साथ तामीर किया गया है। इसकी जो है वो तामीर उस वक्त के जो नहायत माहिर कारीगर थे उनकी जो है ज़ेर निगरानी की गई, उन्होंने ख़ुद इसको बनाया। और उसके बाद नवाब ने मेहतर ने इसको बहुत ज़्यादा दिल लगी के साथ, बहुत ज़्यादा शौक़ के साथ बनवाया। उसको बहुत दीनी शौक़ था इसके हवाले से कि वो इस तरह का कोई काम करे जो कि रब की बारगाह के अंदर उसके लिए कबूलियत का जो है दर्जा रखता हो। ये मेरे पीछे यहाँ पे इस वक्त मदरसा कायम है, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं। और यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि ये किचन है यहाँ का, बच्चे यहाँ पे जो है रहते हैं, उनका खाना यहाँ तैयार किया जाता है। और ये बाकी जो है ये क्लासेस वगैरह हैं, ये तमाम जो हैं इस तरफ दफातर हैं। दफातर के साथ साथ इस तरफ को अगर हम चलें तो यहाँ पे जो है दरस निज़ामी की क्लासेस की जो है आपको लाइन नज़र आ सकती है। यहाँ पे बच्चे हिफ्ज़ुल कुरान के भी मौजूद हैं। और उसके साथ साथ हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो नवाब थे उनकी रिहाइश आखिरी आराम गाहें जो हैं वो भी यहाँ पे ही मौजूद हैं। और सबसे बढ़कर ये कि एक बहुत खूबसूरत मुकाम पे, इसके बिल्कुल नीचे दरिया चित्राल है और इस साइड पे बुलंदो बाला जो है पहाड़ी चोटियाँ हैं, उसके साथ साथ जो दूसरे हैं मुकामात वो इसके बहुत करीब तर है और इस बहुत पुरसकून जगह पे है। ये मेरे पीछे जो है ये यहाँ पे जो वाली चित्राल जिसे मेहतर कहा जाता है ये उनकी कब्र है। और हम आपको आगे भी लेके चलें और दिखाते हैं कि आगे का, अब आगे चलें तो यहाँ पे सबसे पहले जो सर मोहम्मद शुजाउल मुल्क थे जिन्होंने ये तामीर करवाई थी मस्जिद, ये उनकी आरामगाह है। और ये फिर उसके बाद जो यहाँ चित्राल की रियासत के मेहतर बने मोहम्मद मुजफ्फरुल मुल्क साहब, उनकी आखिरी आरामगाह है। इस वक्त तो बंद है लेकिन आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि नज़र आ रही है आपको उनकी कब्र है। और इनकी जो तारीख़ पैदाइश है वो 1901 है और ये 1943 के अंदर पाकिस्तान की आज़ादी से चार साल पहले ये जो है वाली चित्राल मेहतर चित्राल बने थे। और फिर इनकी वफ़ात जो है वो 7 जनवरी 1949 में हो गई। पाकिस्तान की आज़ादी से कबल इनकी जो है वफ़ात हुई, उससे पहले यहाँ पे आपको नज़र आ सकते हैं मोहम्मद शुजाउल मुल्क की जो आरामगाह है इनकी 1881 जो है वो तारीख पैदाइश है। और साथ साथ ये 1895 के अंदर ये तख्त नशीन हुए और फिर ये 1936 को ये फौत हो गए। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये यहाँ के जो है मेहतर थे वाली चित्राल थे ये उनकी हैं। और ये आप देख सकते हैं तमाम जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे दफातर हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट के, कुछ यहाँ मदरसे के और कुछ इंतज़ामी जो हैं यहाँ के दफातर हैं। और उसके अलावा ये है मकबरा अब्दुलरज़ाक बादशाह साहब हैं, इनकी जो है तारीख़ वफ़ात 13 मई 1934 है। तो ये तमाम चीज़ें इस मस्जिद के हवाले से तारीखी। एक सबसे अहम जो चीज़ है यहाँ पे वो यहाँ पे मस्जिद की तामीर है। जब इसकी तामीर मुकम्मल हुई तो उस वक़्त के जो यहाँ के मेहतर थे उन्होंने एक बहुत ही तारीखी जो जुमले थे वो लिखे थे और उनके वो ये थे कि तारीफ़ और शुक्र गुजारी उस ज़ाते बे हमता के लिए जो के लायक है जिसने मुझ जैसे गुनाहगार को इस मस्जिद की तामीर की तौफीक फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो इसकी तामीर है 1339 हिजरी बमुताबिक 1919 ईस्वी में मुकम्मल हुई। इसकी बुनियाद रखी गई, बुनियाद रखने के 2 साल बाद हज बैतुल्ला शरीफ, ज़्यारत रोज़ा और शाम व इराक में अम्बिया औलिया के मज़ारात पर हाज़िरी भी जो है सर शुजाउल मुल्क मेहतर को नसीब हुई। और उसके साथ साथ ये मस्जिद का जो लॉन है वो बहुत खूबसूरत है और आपको ले कर चलें हम और आप देखें कि ये मस्जिद का एक वसी लॉन है इस साइड पर भी। और मेरे पीछे आप पहाड़ भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत पहाड़। और बिल्कुल यहाँ नीचे वाली साइड पर दरिया चित्राल बह रहा है और ये साथ बिल्कुल साथ ही जो है ये है शाही किला है यहाँ का। और शाही किले के अंदर जो इस वक्त भी जो यहाँ के पहले मेहतर चित्राल थे उनके जो रिश्तेदार हैं या उनके बेटे हैं
वो यहाँ भी रिहाइश पजीर हैं, लेकिन शाम के वक्त जो है इस किला को खोल भी दिया जाता है सयाहों के लिए कि वो विज़िट करने के लिए आएँ और देखें कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। आप यहाँ मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि मस्जिद की तामीर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त की गई है। ये तमाम चीज़ें हैं, अब मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत मंजर है मस्जिद का, नहायत खूबसूरत तामीर है इसका, जो तर्ज है फन तामीर का वो भी नहायत खूबसूरत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, मस्जिद की तारीखी कुछ मालूमात आप तक पहुँची होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।